हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जामन और आप सबको स्वागत है एग्जाम एपेक्स चैनल में। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से वीकली करंट अफेयर्स की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग फरवरी का थर्ड वीक का करंट अफेयर्स का कुछ सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अराउंड यहाँ पे 40 के आसपास क्वेश्चन हैं जो इस वीक का सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप लोगों को आने वाले रेलवे NTPC और CGL और बाकी सारे एग्जामों में बहुत हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं। 9th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप वॉज ओन बाई 9th इंडियन सीनियर वुमेन चैम्पियनशिप 2019 का किसने जीता है? रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड ने जीता है इसको। चेन्नई हैज़ बिन इनोग्रेटेड ए ड्रेनेज क्लीनिंग रोबोट, उस रोबोट का नाम क्या है? यहाँ पे मैंने पूछा है कि उस रोबोट का नाम क्या है, उस रोबोट का नाम है बंदी कोट। ये बात भी याद रखिएगा किस सिटी ने किया है, ये चेन्नई ने किया है, और रोबोट का नाम भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा ये। वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? AK शर्मा को नियुक्त किया गया है। और अगर पूछा जाए इसका फॉर्मेशन ईयर क्या था, इसका फॉर्मेशन ईयर था 1964। और चेयरमैन अभी कौन है? संजीव सिंह इसका चेयरमैन है, संजीव सिंह इसका चेयरमैन है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेल्सन मंडेला स्कूल ऑफ पब्लिक गवर्नेंस, पब्लिक गवर्नेंस के लिए नेल्सन मंडेला स्कूल में किसे डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? एक इंडियन को डायरेक्टर नियुक्त किया गया है इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। उसका नाम क्या है? फैजल स्माइल उनका नाम है। कौन से स्टेट ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड स्थापित किया है? कौन सा स्टेट ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड स्थापित किया है? गुजरात ने किया है। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। CM की बात करें तो विजय रूपाणी और गवर्नर की बात करें तो OP कोहली। हु हैज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा, पूमा की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? MC मेरी कॉम को नियुक्त किया गया है। हम लोग एक ब्रांड एम्बेसडर से जुड़ी एक अलग एक सीरीज बना लेंगे, वहाँ पे हम देखने वाले हैं कि सारे कितने ब्रांड एम्बेसडर अभी तक बने हैं, क्योंकि आने वाला रेलवे RRB और JE में ये ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि ALP और ग्रुप डी में बहुत ही हर शिफ्ट में 2-3 करके ब्रांड एम्बेसडर पूछा ही गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट फुल डोम 3D थिएटर हैज इनोग्रेटेड इन व्हिच सिटी, किस शहर में भारत का पहला फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर ओपन किया गया है? कोलकाता में किया गया है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, कोलकाता वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और कोलकाता के वेस्ट बंगाल के CM की बात करें तो ममता बनर्जी यहाँ का CM है। हु हैज इनोग्रेटेड 12th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2019 एट येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन इन बेंगलोर। पहली बात तो कहाँ पे ये इनोग्रेशन हुआ है? येलाहंका में हुआ है। एडिशन कितना है? 12th एडिशन है। और इसे किसने किया है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण कौन है? डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है। रामवर सिंह वॉज पास्ट अवे रिसेंटली, ही गोट शक्ति अकेडमी अवार्ड इन व्हिच ईयर। हाल ही में नमवर सिंह का निधन हो गया है, और उन्होंने शक्ति अकेडमी अवार्ड किस साल जीता था? ये महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि शक्ति अकेडमी जीता था इसलिए ये भी पूछा जा सकता है कि जो जिसका निधन हो गया था नमवर सिंह, वो क्या थे? वो एक हिंदी राइटर थे, और इन्हें सत्य अकादमी कब मिला था? 1970
वन में, और किस किताब के लिए मिला था? कविता के नए पतिमन, कविता के नए प्रतिमन, ये उनकी किताब थी, इस किताब के लिए उनको ये मिला था। आगे बढ़ते हैं। व्हिच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओन द स्वच्छता एक्सलेंस अवार्ड 2019? स्वच्छता एक्सलेंस अवार्ड 2019 का म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन कौन से जीते हैं? वो छत्तीसगढ़ का रायगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जीता है। हु आर द फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू विन गोल्ड मेडल एट द स्टैंडा मेमोरियल टूर्नामेंट इन सोफला बुल्गेरिया? सोफला बुल्गेरिया में किसने ये जीता है? निखत जरीन एंड मीरा कुमारी इसको जीत लिया है। हरियाणा का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? मनोज यादव को हरियाणा का डीजीपी नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान हैज कॉन्फ्रेंट इट्स हाइट सिविल अवार्ड निशानी पाकिस्तान। पहली बात तो पाकिस्तान के हाइस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है? उसका नाम है निशानी पाकिस्तान। और एक इन्होंने ये किसको दिया है? मोहम्मद बिन अल साउद को दिया है। और मोहम्मद बिन अल साउद कौन है? सऊदी का किंग है मोहम्मद बिन अल साउद। अगला क्वेश्चन है, हु ओन मेंस 15 किलोमीटर गोल्ड इन द ओपन नेशनल रेस वर्ल्ड चैंपियनशिप इन चेन्नई? ये किसने जीता है? जितेंद्र सिंह ने इसको जीते हैं। 40th इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल हेल्ड इन, 40th इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पे होने वाला है? राजस्थान के जैसलमेर में होने वाला है। राजस्थान की कैपिटल की बात करें तो जयपुर है, जयपुर को हम पिंक सिटी भी कहते हैं। राजस्थान की सीएम है अशोक गहलोत और कल्याण सिंह यहाँ की गवर्नर है। व्हिच कंट्री बैंड मोर देन 2000 पोर्नोग्राफी एंड गेमिंग साइट? किस देश ने बैंड किया है? बांग्लादेश की ने किया है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी है टाका, ढाका टाका। और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, और प्रेसिडेंट की बात करें तो हमिद अंसारी यहाँ की प्रेसिडेंट है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2019 हेल्ड इन, कहाँ पे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप होने वाला है 2019 का, ये कहाँ पे होने वाला है? न्यू दिल्ली में होने वाला है। और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। और फॉर्मेशन ईयर है 1907। फोर्थ इंडिया एशियन एक्सपो समिट विल बी हेल्ड इन, फोर्थ इंडिया एशिया एक्सपो समिट कहाँ पे होने वाला है? दिल्ली में होने वाला है ये। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे किस दिन आता है? 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे आता है। और इस साल का थीम क्या था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस, सॉरी यहाँ पे लैंग्वेज होगा, इंडिजीनियस लैंग्वेज, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, श्री वेंकैया नायडू साहब ने एक ऑल इंडिया एफएम स्टेशन इनॉग्रेशन किया है, और वो किस स्टेट में किया है? वो आंध्र प्रदेश में किया है। आंध्र प्रदेश की सीएम कौन है? इन चंद्रबाबू नायडू है। और आंध्र प्रदेश का गवर्नर कौन है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक ही गवर्नर है, ईएसएल सीतारामन। और आंध्र प्रदेश में हाल ही में 25th हाई कोर्ट खोला है। व्हाट इज द थीम ऑफ एनुअल वर्ल्ड इन द गार्डन फेस्टिवल? एनुअल वर्ल्ड ऑफ द गार्डन फेस्टिवल, पहली बात तो ये कहाँ पे हुआ है? ये न्यू दिल्ली में हुआ है ये। और इसका थीम क्या था? बापू की दिल्ली। हु वॉज अपॉइंटेड एज द बीसीसीआई ओम्बुड्समैन? बीसीसीआई का ओम्बुड्समैन किसे नियुक्त किया गया है? डीके जैन को नियुक्त किया गया है।
For which country students were awarded the prestigious Mahatma Gandhi scholarship study in India? India में पढ़ने के लिए किन देश के छात्रों को prestigious Mahatma Gandhi scholarship दिया गया है? वो श्रीलंका को, श्रीलंका के students को दिए गए हैं। 2018 का सोल पीस प्राइस किसने जीता है? नरेंद्र मोदी ने जीता है। कहाँ पे ये हुआ था? साउथ कोरिया में हुआ था ये। नरेंद्र मोदी साहब कितने बे रिसिपेंट थे? 14वें रिसिपेंट थे ये। Who was inaugurated शिकारिया मेगा फूड पार्क एट आगरतला? आगरतला में शिकारिया मेगा फूड पार्क का इनॉग्रेशन किसने किया था? सद्भी निरंजन ज्योति। और आगरतला कहाँ पे है? आगरतला है त्रिपुरा के, त्रिपुरा में, त्रिपुरा का कैपिटल है आगरतला। 14 एग्रीकल्चर साइंस कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड इन, 14वें एग्रीकल्चर साइंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे शुरू होने वाला है? न्यू दिल्ली में शुरू होने वाला है। इन व्हिच इंडियन एनजीओ ओन लुसेज स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड? लुसेज स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड किस एनजीओ ने जीता था? एनजीओ का नाम था युवा, और ये एनजीओ कहाँ से था? झारखंड से ये एनजीओ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ वुमेन स्टार्टेड इन, कहाँ पे शुरू हुआ है ये? तिरुवंतपुरम में ये शुरू हुआ है। और फेस्टिवल का अगर नाम पूछा जाए तो अल्तुकत पोंगाला, अल्तुकत पोंगाला इसका नाम था। 16 इन रूसिया इंडिया चाइना फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग वॉज हेल्थ इन, कहाँ पे ये मीटिंग हुआ है? चाइना पे हुआ है। फर्स्ट इंडियन वुमेन फ्लाइट इंजीनियर, पहली महिला, भारत की पहली महिला कौन है जो फ्लाइट इंजीनियर है? वो है हिना जायसवाल। ईरानी कप किसने जीता है? ईरानी कप विदर्भा ने जीता है। रणजी ट्रॉफी भी विदर्भा ने जीता है, रणजी ट्रॉफी भी विदर्भा ने जीता है। हु वाज ऑन द वुमेन्स सिंगल ऑफ कतार ओपन, कतार ओपन में वुमेन्स सिंगल किसने जीता है? इलिस मार्टिन ने, जिसको जीत लिया है। व्हिच इज द होस्ट सिटी ऑफ नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट, आर्चरी टूर्नामेंट के कौन सा सिटी होस्ट करेगा? न्यू दिल्ली इसको होस्ट करेगा। कौन से वेस्ट इंडीज का प्लेयर है जो आफ्टर 2019 वर्ल्ड कप के बाद वो अपने ओडीआई से रिटायरमेंट ले लेगा? क्रिस गेल ओडीआई से रिटायरमेंट ले लेगा। भारत की ओर से अर्जेंटीना में किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश भाटिया साहब को वहां का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और अर्जेंटीना की बात करें तो ब्रूनो एरिस यहां की कैपिटल है, और मोरिसियो मैक्री यहां की प्रेसिडेंट है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।